आलू बैगन का डिलीशियस बैगन का भरता, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही जायके वाला होता है। और इस तरह का भरता आजकल आपको या तो 5-स्टार होटल में मिलेंगे या तो कहीं गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे। एकदम देसी लुक से बनाइए। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बैगन के भरते की रेसिपी लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। ये देसी स्टाइल का भरता होता है और ये बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही कम चीज़ें लगती हैं और टेस्टी बहुत जायके वाला बनता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये बैगन है दो, जो आधा किलो के हैं, गोल टाइप के होते हैं। इसके ही भरते ज़्यादा बनते, अच्छे होते हैं और इसी के बन पाते हैं क्योंकि इसमें गूदा पूरा लंबे होगा, पूरे साइड में इसके अंदर गूदे होते हैं। और ये चार साइज स्मॉल साइज के टमाटर हैं इस तरह के, और उबले हुए आलू हैं करीब चार मीडियम साइज के, और 5-10 करीब 15-15 हमारी ये है लहसुन की कलियाँ हैं छिली हुई, और 10-12 हमारी हरी मिर्च है। और वैसे भी ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारी हरी धनिया है कटी हुई चॉप, और नमक है जो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, और ये सरसों का तेल है। तो इसको हम कहीं ऐसा कच्चा ही डालेंगे, इसको ऐसे ही जब भरता तैयार होता है कच्चा डालते हैं। इसका फ्लेवर अच्छा आता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी हमारा 2 टेबल स्पून है। तो हम देख लेते हैं, आलू तो मेरा बॉयल है तो अब हम भरते हो कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसको देखते हैं, इसको सबसे पहले हम काट लेंगे, और क्योंकि भरता का सबसे बड़ा मुश्किल मसला ये होता है कि इसके अंदर कीड़े वड़े ना हो, तो सबसे पहले हम इसको स्लाइस में काट लेंगे और तावे पे ऐसे रोस्ट करेंगे। तो देखते हैं हम इसको। तो देखिए हमने इसका स्लाइस कर लिया, इतने मोटे मोटे से अच्छे तरह से इसको स्लाइस कर लिया। इसमें जितने भी कीड़े वड़े कुछ भी हों सब सामने आ जाएगा, कुछ भी गंदगी अंदर, कुछ भी कीड़े वड़े बैंगन में अक्सर हो ही जाते हैं। ऊपर से देखने में एकदम अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से कीड़े निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से करने में मेरा बहुत अच्छी तरह अच्छा। अब इसको हम कैसे इसको सेकेंगे ये मसला है। तो इसको हम तवा ले लेते हैं और उसमें हल्का सा तेल लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है और एकदम जैसे आग पे भुना हुआ इस तरह से हो जाता है। तो बस हम हल्का सा तेल लगाते हैं और इसको हम बिछा देते हैं पूरा, और इसको गैस पर रख देंगे, एक बार उल्टे पलटेंगे बस ये अच्छे से गल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बैगन को भून लेते हैं, ये हो गया। और इसको ढक्कन लगा देते हैं, एक लेड लगाएंगे इसको तो ये अच्छे से। अब हम ये टमाटर का मसला है, टमाटर के लिए हम इस तरह का एक बर्तन लेंगे, और अगर इस तरह का बर्तन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे से तावे में हो जाता है। और तावे में छोटे छोटे साइज़ का हम इस तरह टमाटर ले लेंगे और तावे पर ढक कर देंगे तो वो भी साथ में बैगन के साथ ही भुन जाता है। तो इस तरह से अगर हम अलग बर्तन लें तो हमारा टाइम भी बचता है, एक तरफ बैगन हो रहा है और एक तरफ हमारे टमाटर हो जाते हैं। तो हल्का सा तेल लगा के इसको भी हम रखते हैं और इसके एक ढक्कन लगा ताकि इसमें भाप बन जाए, और इसके बाद इसको भी गैस पे एकदम स्लो आँच पे रख देते हैं, ये दोनों ही भुन जाएगा एक साथ। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखिए। ये करीब 5-6 मिनट हो चुके हैं, ये एक तरफ से ये करीब करीब गल हो गया है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है बैगन। और फिर भी हम इसको एक साइड से थोड़ा पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी थोड़ा सा रोस्ट जैसा हो जाए। सब पलट दिया है और एक बार फिर 4-5 मिनट के लिए लेड लगा देते हैं। 4-5 मिनट का बैगन तो गल ही चुका है, इस बार कम लगाते हैं और 2 से 3 मिनट में इसको हम फिर दूसरा बैगन कर लेंगे। और तब तक हम अपने बैगन आलू को भी देख लेते हैं। ये अरे जो टमाटर है हमारे, देखिए किस तरह से ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, फट गए हैं, गल गए हैं, और किस तरह से ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये हमारा टमाटर भी हो गया है, फिर भी हम इसकी तरफ से पलट के और दूसरे साइड से करके 3-4 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। तो ये सारे हमारे बैगन हो चुके हैं, सारे बैगन जो अच्छी तरह से हो गए हैं। अब हम इसको एक सारे एक बाउल में सब पलटते गए। अब इसमें हम अपना टमाटर सब बैगन तो है, इसमें अपना आलू भी डाल दो मैशर से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको बैगन और टमाटर को और मिक्सर में भी थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। अगर आप बहुत ही घुला हुआ स्मूथ भरता चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई मसला नहीं है। तो इसको हम चम्मच से अच्छी तरह से कर लेते हैं और सभी चीज़ें इसमें जो भी इसका मिर्ची है अपना अंदाज से कितना हमको चाहिए टेस्ट में, तो ये सब ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लें। और ये धनिया इसकी जो है करके खूब अच्छे से मिला लेते हैं, तो खूब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें इसका नमक है, इसका टेस्ट के हिसाब से इसका नमक डाल लेते हैं और खूब अच्छे से इसको बारीक करते चम्मच से। और ये तेल है, करीब 2 टेबल स्पून कच्चा तेल है, ये सब मिला के अच्छे से हम मैश कर लेते हैं एक साथ, और ये तबीयत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम आपको मैश करके दिखाते हैं। ये हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, इसको इस तरह से लकड़ी के चम्मच से मैंने ऐसे करके ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है और एकदम अच्छी तरह घुल गया है। तो तैयार है हमारा ये इस तरह से देसी स्टाइल का हमारा भरता।
और ये बहुत ही जायके वाला बनता है, बहुत ही टेस्ट से होता है। तो आप इसको ऐसे घर में बनाइए, ऐसे अच्छे से भरते, देसी लुक वाले भरते के लिए आपको ना आपको किसी फाइव स्टार होटल में जाने की ज़रूरत है, ना किसी गांव देहात में जाने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से बनाइए, इस तरह के भरते या तो आपको आजकल के ज़माने में या तो फाइव स्टार होटल वाले पेश करेंगे, या तो आप कहीं गाँव देहात में जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। इसको हम डिश आउट कर लिया हमने, और इसको आप खाइए, रोटी पराठों के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही जायके वाला बनता है। और सबसे अच्छा जोड़ इसका बेसन की रोटी के साथ होता है, और बेसन की रोटी के साथ इसका बहुत ही अच्छा खाने में होता है। तो इंशाल्लाह आगे हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बेसन की रोटी बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से देसी घी में बनाते हैं, तो वो बताएंगे। अभी इसके साथ हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, रेसिपी हमारे भरते की। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह।